In this week's episode, I want to recommend four horror films, and interestingly, all these horror films are available on Netflix. So my first recommendation for the week is a film called Creep, which is written by Mark Duplass. This is the story of a guy jo apne ghar pe ek videographer ko bulata hai, and usko bolta hai ki that he has cancer, and he asks the videographer to shoot him to make a video diary that he can eventually give to his unborn son. Videographer ko to paise mil rahe hote hai, to wo ghar aa jata hai. But as the movie progresses, the videographer realizes something is up. The guy who had called the videographer, played by Mark Duplass himself, his behavior is very eccentric. Wo ekdam se hasne lag jata hai, wo ekdam se ajeeb ajeeb baatein karne lag jata hai. To usko kuch to lagta hai, aur usne usko bulaya bhi bahut isolated se ek ghar mein hota hai. Mark Duplass has this speciality in making films in the lowest of budgets. और एक वन रूम सेटअप में जो फिल्म्स होती हैं उसकी वहाँ पे जैसा एक्शंस लाइक वहाँ पे जो एक्टिविटीज़ दैट टेक प्लेस मार्क डुप्लेस हैज़ अ थिंग फॉर दैट और वो उसको पुल ऑफ करनी आती है एंड सिमिलरली इन दिस फिल्म ही डिड दैट तो वो फिल्म धीरे धीरे जैसे प्रोग्रेस होती है ये फनी भी होती जाती है मूवी सो दिस फिल्म डजंट हैव एनी जंप स्केयर्स मतलब आप बैठोगे आपको कहीं भी पूरी देख के मूवी ऐसे नहीं लगेगा हाँ यार मेरे को डर लगा आपको डर नहीं लगेगा बट लाइक देयर विल बी दैट फीलिंग व्हाट इज अप वो आपको इतना डरा के रखेंगे जिससे आप पूरे टाइम एंगेज रहो उससे ज़्यादा डराएंगे नहीं सो टेक्निकली आई वोंट इवन से कि दिस इज़ अ हॉरर फिल्म बिकॉज At moments, this is extremely funny also because of the touches Mark Duplass has given to the character. Now, talking about Creep 2. Creep 2 is the story of the same guy. इस टाइम वो एक दूसरी वीडियोग्राफर को बुलाता है नाउ दिस वीडियोग्राफर इज लाइक अ यूट्यूबर जिसकी एक सीरीज होती है एनकाउंटर्स के नाम से जहाँ पे वो अलग अलग लोगों के घर जाया करती है जो भी जो इन लाइफ में कुछ डिफरेंट कर रहे होते हैं एंड शी स्पेंड्स अ डे विद देम एंड उनकी लाइफ का एक स्टोरी बना के अपने चैनल पर डालती है एंड वैसे इन्विटेशन लेती रहती है कि कोई और है जो मेरे को बुलाना चाहता है एंड सो दिस गाय मार्क डुप्लेस कॉल्स her to his place and this time Mark Duplass ka pura look change ho gaya hai wo daadi waadi mein aa gaya hai and iska ghar bhi alag hai so to this woman he tells a completely different story he tells her that he is a serial killer फिर ये जैसे लड़की होती है ये बाथरूम में जाके बात भी करती है खुद से कैमरा सामने रख के कि something is up कि ये बंदा ऐसी अजीब अजीब बातें कर रहा है and what if he is actually a serial killer एंड फिर वो जब बाहर आती है कमरे के सो मार्क डुप्लेस इज स्टैंडिंग देयर एब्सोल्युटली नेकेड मैंने पहली बार देखा तो मेरे को ऐसे हो गया था क्या मतलब मार्क डुप्लेस का इसमें फुल नेकेड सीन है बट लाइक इट्स ऑल्सो वेरी फनी क्योंकि और आपको तब हंसी से ज़्यादा ऐसा लग रहा होगा कि क्या चल रहा है इस बंदे के दिमाग में वॉट इज़ यू अप टू एंड वो उसको थोड़ा और डराता है फिर उसको फ्रेंड बनाता है देर इज़ नो सेक्शुअल टेंशन देर बट हाँ वो उसको डरा के रखता है इनफ जिससे कि वो जाए भी नहीं उसको पैसे का भी एक थोड़ा टेम्पटेशन रहे सो लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग देयर एंड अगेन इट टेक्स अ वेरी डार्क टर्न तो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है वो अगेन डोंट एक्सपेक्ट एनी जंप स्केयर्स अगर करोगे तो आप मूवी से डिसअपॉइंट हो जाओगे बट एक्सपेक्ट लाइक एन इंडी हॉरर मूवी दैट यू माइट नॉट हैव सीन एंड यू विल बी सैटिस्फाइड विद दीज फिल्म्स So these were my first two recommendations. My third recommendation for the week is a film called The Ritual. It's a Netflix original that came out in 2017. So this is the story of a few college friends who reunite to go to a trip to a forest. और ये लोग वहाँ जाते हैं और हमें धीरे धीरे रिवील होता है कि इनके साथ इनका एक पहला भी एक फ्रेंड होता था जो मर गया एंड कुछ लोगों को उसका बहुत ज़्यादा रिग्रेट है लाइक वन ऑफ द गाइज कीप्स गेटिंग द फ्लैशेज ऑफ How he died क्योंकि वो बहुत ही gruesome सा accident था and so these guys have to pass through a forest और वहाँ पर मतलब वो एक shortcut ले लेते हैं all those typical things happen that happen in any horror film जब लोग एक forest से जा रहे होते हैं एक एक करके लोग कम होने लग जाते हैं and वही पूरा lost वाला template है but why this is unique because of the way they have shown the unknown और ये बोला जाता है ना कि अगर आपको अच्छी हॉरर मूवी बनानी है तो कभी भी अननोन चीज़ को दिखाओ मत जो घोस्ट है जो मॉन्स्टर है कभी दिखाओ मत बस इसमें दिखाया है एंड वो जो डिपिक्शन है इट्स वेरी वेरी यूनिक आप देखोगे तो आपने ऐसा मॉन्स्टर नहीं दिखा होगा सो गुलेमेरो देल तोरो इवन ट्वीटेड अबाउट इट एंड ही हैज़ अ स्पेशलिटी इन दिस थिंग इन शोइंग लाइक मॉन्स्टर्स बिकॉज ऑफ ऑल द फिल्म्स दैट ही हैज़ मेड सो ही ट्वीटेड इन अप्रिसिएशन ऑफ द मॉन्स्टर दैट दीज गाइज़ आर क्रिएटेड स्पेसिफिकली फॉर दिस फिल्म द रिचुअल तो इस फिल्म में काफ़ी जंप स्केयर्स हैं सो मतलब लाइक दिस फिल्म इज़ लाइक टेलर्ड दैट वे दैट इट विल स्केयर यू अ लॉट
बट यू विल एंजॉय दिस वन अ लॉट ऑल्सो. तो ये थोड़ा आपको संभल के देख लीजिए. माई फोर्थ रिकमेंडेशन फॉर द वीक इज अ फिल्म कॉल्ड द इन्विटेशन. अगेन इट्स ऑन नेटफ्लिक्स. सो दिस फिल्म इज अबाउट दिस गाय हु गेट्स एन इन्विटेशन फ्रॉम हिज एक्स वाइफ फॉर अ डिनर टू हर प्लेस. तो ये दोनों पहले साथ में होते हैं बट अब ये सेपरेट हो गए होते हैं. सो दिस गाय टेक्स हिज गर्लफ्रेंड टू हिज एक्स वाइफ्स प्लेस. वहाँ पे बहुत सारे लोगों को बुलाया होता है फॉर अ वेरी लैविश डिनर. सो व्हेन ही रीचेस देयर ही रियलाइजेस देयर इज अ वेरी स्ट्रेंज वाइब इन द एटमॉस्फेयर एट दैट प्लेस. वो इस घर में पहले रहता होता है एंड लाइक सो देयर इज दिस हिस्ट्री बिटवीन हिम एंड हिज एक्स वाइफ जो बहुत इनिशियली रिवील हो जाती है. सो इट इज़ नॉट अ स्पॉइलर कि इनकी एक बच्ची होती है जो पहले मर गई होती है. एंड तो उसको उसके फ्लैशेज आने लगते हैं. ही स्टार्ट्स थिंकिंग अबाउट द मेमोरीज ऑफ द टाइम व्हेन ही यूज्ड टू लिव देयर. एंड वहाँ पे बहुत ही स्ट्रेंज सी वाइब है. सो एक दो लोगों से बात करने की कोशिश करता है कि व्हाट इज़ अप बट लाइक उसको मतलब समझ नहीं आता. सो ये लोग बैठे होते हैं डिनर की बातें बातें मतलब डिनर से पहले ऐसे थोड़े गेम्स वगैरह खेल रहे होते हैं. सो हिज वाइफ रिवील्स एंड हिज वाइफ एंड हर न्यू हस्बैंड रिवील कि इन्होंने एक ग्रुप ज्वाइन किया विच हेल्प्स देम डील विद ग्रीफ और एक स्पिरिचुअल ग्रुप है. तो उनको ना अपने वो जितने भी गेस्ट आए होते हैं उन्हें एक वीडियो दिखाते हैं और एक बहुत ही वियर्ड सा वीडियो होता है जिसमें कोई इंसान मर रहा होता है. तो उसको ज़्यादा कुछ समझ नहीं आता और वो वीडियो बीच में बंद कर देते हैं. सो दिस गाय इज़ इवन मोर टेंस नाउ कि ये क्या कर रहे हैं, वॉट आर दे अप टू, और ये डिनर के टाइम कैसी अजीब सी चीज़ें क्यों दिखा रहे हैं. मूवी प्रोग्रेस होती है तो मूवी का बेस्ट पूरा जो टाइम है वो यही है जब तक ये रिवील नहीं होता एक्चुअली हो क्या रहा है. यू आर जस्ट एंटिसिपेटिंग द ड्रॉपिंग ऑफ द एक्स और आप पूरे टाइम सोच रहे हो कि वॉट इज़ अप वॉट इज़ अप वॉट इज़ अप. और उसको बहुत स्मार्टली पुल ऑफ किया इन लोगों ने. एंड वेन यू एक्चुअली इवेंचुअली रियलाइज की मूवी में क्या चला है तो उस पार्ट को भी बहुत अच्छे से प्ले किया. एंड इवेंचुअली लास्ट में भी एक चीज़ होती है जिससे रिवील होता है कि इट वॉज ऑल अ पार्ट ऑफ समथिंग बिगर. सो इट हैज़ अ वेरी कोहेरेंस वाइब. कोहेरेंस इज अनदर फिल्म दैट आई हैड रिकमेंडेड इन वन ऑफ द अर्लियर एपिसोड्स. इसमें एक रेडिश सा टेंट है पूरी मूवी में बट कोहेरेंस वॉज मोर इन द साइफाई जॉनर. दिस इज मोर इन द हॉरर जॉनर. तो ये थोड़ी सी गोरी भी हो जाती है लाइक इन द सेकेंड हाफ ऑफ द फिल्म. बट अगेन इट्स अ ग्रेट वॉच एंड जंप डायरेक्टली राइट इन टू इट विदाउट वॉचिंग द ट्रेलर और एनीथिंग एंड यू विल हैव अ ग्रेट टाइम. सो नेक्स्ट वीक इट विल बी द 25th एपिसोड ऑफ चलचित्र टॉक्स एंड वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट एंड ही इज़ द राइटर ऑफ सीक्रेट गेम्स एंड ही इज़ द राइटर ऑफ मसान and he's a stand-up comedian, he's a national award winner. So maybe अभी तक आप guess कर चुके होंगे कौन है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ. So he is coming next week to recommend a few films. So tune in next week for more movie recommendations. Thank you.